तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जाने लगे कि आप सुपर फास्ट बॉल कैसे ला सकते हो। Sueñan con vestirse de Armani o disparar como Kimani. Muchos sueñan con un pilón de mar. आज के वीडियो में हम लोग यही जानने लगे कि आप ऐसे फास्ट बॉल कैसे ला सकते हो। नहीं नहीं, आपके बात क्या सस्ते जोक मारो। ठीक है, मैं आज ढूंढना पड़ेगा। तो या आज के वीडियो में मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल रखूंगा, एकदम बेसिक से पॉइंट बताऊंगा। बेसिक मतलब बेसिक है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कम बंदे लोगों को पता है, एंड सेटिंग में भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप ऐसे फास्ट बॉल एकदम इजीली ला पाओगे एंड आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होता है और ये प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स आपके साथ ही होगा। तो चलो गाइस, विराट को डाइस के वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसा फास्ट बॉल लगाने सिखाने के लिए। एंड बेसिक से डिफरेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्ड नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है बट इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा, आप एकदम इजीली सीख जाओगे। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको ऐसा ब्रो लगाना है तो आपको सेटिंग में क्या चेंजेस करना चाहिए। तो सेटिंग में बहुत से चेंजेस करने हैं एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग की। या सेंसिटिविटी सेटिंग तो हाई रखना है ना, अगर फास्ट ब्रो लगाना है तो सेंसिटिविटी सेटिंग को हाई रखना पड़ेगा। बट उसका एक लॉस पॉइंट है कि गोली रिकवर मारेगा, बट आपको आदत लगाना पड़ेगा। ड्रैग उसके हिसाब से करो, सेंसिटिविटी के हिसाब से करो। बट अगर आपसे नहीं हो रहा तो मैं बोलूंगा मूवमेंट छोड़ो, सेंसिटिविटी को पहले जैसे करो। बट या अगर आपको फास्ट मूवमेंट करना है बिल्कुल बैकग्राउंड में जैसे कर रहा हूँ वैसे, तो आपको हाई सेंसिटिविटी पे खेलना पड़ेगा। एंड हाई सेंसिटिविटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ जनरल सेंसिटिविटी को हाई करके रखना है। डीपीआई उपाय से छेड़खानी मत करो, प्लीज मत करो। बाद में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके मत बोलना, ठीक है? ठीक है। एंड बाकी रेड डॉट, टू स्कोप, फोर स्कोप और रेडब्ल्यू स्कोप का कोई लेना देना नहीं है फास्ट मूवमेंट के साथ, तो उससे हमको कोई वास्ता नहीं है, तो हम उसको छुएंगे भी नहीं, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अभी बात करते हैं, वैसे मैं हिंदी बहुत अच्छा बोलने लगा हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं कंट्रोल सेटिंग में हम लोग को क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। तो अगर आपको फास्ट ब्लो लगाना है तो आप लेफ्ट वाला फायर बटन यूज कर सकते हो। एक छोटा सा एडवाइस ले लो, टू फिंगर में खेलते हो तो क्विक एबल स्विच बटन और लेफ्ट वाला फायर बटन एक साथ मत यूज करना, कोई एक ही बटन यूज करना। और थ्री फिंगर में खेलते हो तो दोनों भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर टू फिंगर में खेलते हो मतलब दो उंगली से ही बस खेलते हो, दो थंब से खेलते हो, तो बस एक बटन यूज करना। और अगर आपको फास्ट ग्लो लगाना है तो लेफ्ट वाला फायर बटन यूज कर सकते हो। ये मैंने पहले भी बोला है बट ग्लो लगाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बोला। अभी बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है ग्राफिक्स सेटिंग। आप बोलोगे ग्राफिक्स सेटिंग से क्या फर्क पड़ता है, तो बता दूं, आप लो डिवाइस पे खेलते हो और ग्राफिक्स सेटिंग हाई पे करके खेलोगे तो बहुत ज़्यादा लेट रिएक्ट करता है। बहुत ज़्यादा आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो थोड़ा देर के बाद रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा गेम भी लैग मारता है। और फ्री फायर मैक्स में तो पता ही है, अभी हाई पे खेला पड़ता है, लोग खेल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाई पे ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट अगर आपका डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रहा तो लो पे भी खेल सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, मैं भी खेला हूँ एक टाइम पे। हाँ, क्या मतलब कि उस टाइम पे गेम का ग्राफिक ही अच्छा नहीं था। अभी मैंने आपको डिवाइस के गाइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज में से ही एक उसके बारे में बात करते हैं, वो है ये प्रॉब्लम। मीन्स ये जो हम लोग ग्लू वॉल खड़े होकर लगाने लगते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन, जो आपका सीटे वाला बटन है उसका पोजीशन सही होना चाहिए। जैसे देख सकते हो मेरा इधर है, ड्रैग बटन के नीचे, तो ज़्यादा मेरे को ग्लू वॉल लगाने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है, फास्ट लगा पाता हूँ। इसीलिए आप जो सीटा बटन का जो साइज़ है वो सही रखा करो, जैसे कि 65 टू 80 के बीच में या 75 रख लिया करो, जिससे मतलब क्लिक करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है ग्लू वॉल दूर लगता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ग्लू वॉल ऐसे दूर लगता है, तो मैं आपको बताता हूँ ग्लू वॉल लगाने का सही तरीका, मतलब आपको ग्लू वॉल कैसे लगाना है। नॉर्मल सी बात है, हम लोग बंदे को देख के ड्रैग करते हैं, नॉर्मल है, ये समय कुछ भी आपको चीज नहीं करना है। जैसे ड्रैग करते हो, हेडशॉट मारते हो, हेडशॉट लगा, बॉडी लगा, गोली रिकवर मारा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्लू लगाना है। तो जैसे ही आपने ड्रैग किया है आपका एम जल्दी से जल्दी जमीन पे भी आ जाना चाहिए। जैसे देख सकते हो मेरा एम जल्दी से जल्दी जमीन पे आ गया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन को नीचे स्वैप करो या फिर ड्रैग वाले बटन को होल्ड करके जैसे ऊपर लेके गए तो होल्ड करके नीचे भी लेके आओ, ये आप कर सकते हो एम को जल्दी से जल्दी नीचे लाने के लिए। जैसे आपका एम नीचे आ जाता है सीटा वाले बटन पे क्लिक करो, ग्लू वाले बटन पे क्लिक करो, फिर फायर वाले बटन पे, जो भी फायर वाले बटन आप यूज करते हो, लेफ्ट वाला फायर बटन, क्विक एबल स्विच बटन, जो भी यूज करते हो उसके ऊपर क्लिक करो, देन आपका ग्लू लग जाएगा और आपका ग्लू दूर भी नहीं लगेगा। आपका एम जितना आपके पास मिलेगा उतना ज्यादा फास्ट ग्लू लगेगा।
आपको अपने एम को पास पे रखना है, जिससे एनिमीज भी रश मार रहा है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, दूर में रहेगा तो कभी कभी एनिमीज ही आपको मार देगा, ठीक है। अब बिना कोई डाइवर्ट किए गाइस बात करते हैं कि फास्ट ग्लो लगाने के लिए आपको कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। ये तो बेसिक से पॉइंट थे, अभी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला, कस्टम एटीट्यूड प्रॉपर होना चाहिए। जैसे देख सकते हो मेरा कस्टम एटीट्यूड सिंपल है, बट मुझे पता है कि इसके क्या क्या प्रॉफिट है। जैसे कि आप देख सकते हो सीटर बटन और ड्रैग बटन, ये दोनों पास में, और इसको मैंने जानबूझ के पास में रखा है जिससे मुझे ज्यादा डिस्टेंस कवर ना करना पड़े ये दोनों बटन के बीच। और ये सेम चीज आपको लेफ्ट साइड में भी ध्यान रखना है। जैसे देख सकते हो कि मेरा ग्लोअल वाला जो बटन है वो बहुत ज्यादा पास है स्पीड वाले बटन को, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन ज्यादा दूर दूर मत रखा करो, जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर आप थ्री फिंगर में खेलते हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट टू फिंगर में अगर आप टू फिंगर में खेलते हो तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। टू फिंगर में इंपॉर्टेंट होता है, बट थ्री फिंगर में क्या ही फर्क पड़ता है, तीन उंगली है इधर से इधर इधर से इधर, बट टू फिंगर में इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। और आप क्या कर सकते हो फास्ट ग्लोअर लगाने के लिए, मीन्स अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट ग्लोअर लगाना है तो और आप क्या कर सकते हो, याद रखना अगर आपने फास्ट ग्लोअर लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपका मूवमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो ग्लोअर का स्पीड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है गेम के अंदर। तो फास्ट ग्लोअर लगाना है तो एक और चीज कर सकते हो, वो है फिंगर मूवमेंट बढ़ाओ। फिंगर मूवमेंट मैंने बोला थ्री फिंगर फोर फिंगर खेलो, टू फिंगर ही खेलो, फास्ट खेलो, ज़्यादा गेम मत खेलो, जितना भी खेल रहे हो दिल से खेलो, फास्ट खेलो, मतलब अपना बेस्ट दो, ठीक है। और फिंगर मूवमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहला, आप रेगुलर गेम खेला करो। दूसरा चीज ये कि आप जब गेम खेलते हो तो जो भी चीज़ करते हो वो फास्ट फास्ट किया करो। तीसरा चीज ये कि अगर आप गेम खेलते हो तो रिएक्शन टाइम और रिफ्लेक्स मोमेंट पे ध्यान दिया करो, एंड जो भी करते हो वो फास्ट से फास्ट किया करो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर गेम खेला करो। कस्टम खेलते हो तो आपका जो फिंगर मूवमेंट है वो जल्दी जल्दी बढ़ता है, और फिंगर मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फास्ट ग्लो लगाने के लिए। और आप एक चीज कर सकते हो, अगर आपको फास्ट मूवमेंट दिखाना है ग्लो लगाने के बाद, तो हमेशा कैरेक्टर को इधर से उधर किया करो। नोटिस करना बड़े प्लेयर कैरेक्टर को इधर उधर घुमाते ही रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट लगता है। एक्चुअली करते कुछ नहीं, जगह पे ही गोल गोल घूमते हैं, बट बस देखने में मूवमेंट फास्ट लगता है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहले और जल्द से सब्सक्राइब कर देना, एंड या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड